की बड़ी खबर, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल पर 12 बजे से चर्चा होनी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने फैसला किया है कि जब तक कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन बंसल का इस्तीफा नहीं होता तब तक संसद नहीं चलने देंगे। पार्टी ने साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा से पहले दोनों मंत्रियों का इस्तीफा जरूरी है। कल ही लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी यह ऐलान किया था कि किसी भी बिल पर चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार के ये दो मंत्री इस्तीफा नहीं देते। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी पार्टी ने यही फैसला लिया है कि जब तक कानून मंत्री और रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा बिल या भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा से पहले दोनों मंत्रियों का इस्तीफा जरूरी है। और ये लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें, 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बीजेपी की रणनीति यही है कि संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। इस्तीफे से कम पर विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। आज लोकसभा में दो बिलों पर चर्चा का प्रस्ताव है। 12 बजे से चर्चा होनी है खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल पर, लेकिन हंगामेदार रहेगा ये सत्र। और इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और प्रश्नकाल शुरू करने की स्पीकर की मांग, और उसके बाद वेल में ही सदस्य ऑपोजिशन बेंच के पहुंचने शुरू हो गए। Madam, I want to ask the Honorable Minister that in light of the statement that he has laid on the House, that what the indication shows that while the wholesale price in Saratna, Madam, will the Honorable Minister answer that whether any of these steps that he has stated on the floor of the House as having been taken is having any particular impact in controlling the hoarding of these essential food products, which is impacting inflation? और लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है, 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बीजेपी के नेता मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू करने के लिए स्पीकर ने कहा और हंगामा मचना शुरू हो गया और दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल के नेता वेल्थ ऑफ द हाउस तक पहुंच गए, लेकिन हंगामा इतना ज़्यादा था कि प्रश्नकाल का पहला
सवाल ही जब बीजेडी के सांसद ने पूछा तो फिर वो उसका जवाब मंत्री नहीं दे पाए, लेकिन लोकसभा भी अब स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। सरोज, हंगामा हमने देखा, राज्यसभा लोकसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा, और जिस तरह की नीति रणनीति जो है विपक्ष की है, लग नहीं रहा है कि संसद चल पाएगी दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के से कम पर विपक्ष मानेगी। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष ने सुषमा स्वराज ने कल ही ये साफ कर दिया था कि चर्चा इन दोनों बिलों पे महत्वपूर्ण बिल हैं, वो चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन उनकी जो मांग है दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की, अगर वो पूरी नहीं होती है तब तक वो लोग इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। पहले इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, और हंगामे जैसे ही सदन दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी के जो सांसद हैं वो वेल में उतर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की, और इसके साथ ही दोनों सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सिद्धार्थ, दोनों सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दो महत्वपूर्ण बिल है जिन पर चर्चा का प्रस्ताव है, लेकिन लग नहीं रहा है कि विपक्ष इन बिलों पर कोई चर्चा करने के मूड में है। क्या कह रही है बीजेपी, क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। आज भी कांग्रेस के इस बिल से छत्तीसगढ़ में जो हमने बिल किया है वो ज्यादा अच्छा है, और हम फूड सिक्योरिटी इनसे भी बेहतर दे रहे हैं, 90% लोगों को दे रहे हैं, और इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल के साथ हम है, लेकिन ये केवल रणनीति के तहत। आप भ्रष्ट उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए अगर वो बिल पेश कर रहे हैं तो एक गरीब को उपयोग कर रहे हैं कि उसके नाम का और उसको झुंझुना दिखाने की बात है, और इसलिए हम चाहते हैं कि दो मंत्री तुरंत इस्तीफा दे, आज दोपहर से तुरंत काम शुरू हो सकता है, बिलों पर विस्तार से चर्चा होगी। सारी सरकार को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें लिप्त है, इसलिए अब ये नहीं है कि अश्विनी कुमार और पवन बंसल और एक्स वाई जेड, जब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक इंसाफ नहीं होगा इस देश में। क्या पार्लियामेंट में भी आज ये मुद्दा उठाया जाएगा? जरूर उठाया जाएगा।